फ्रेंचाइजी की बात के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो DMIT टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। अब ये DMIT टेक्नोलॉजी एक्जैक्टली होती क्या है, इसे ऑपरेट कैसे किया जाता है, इससे किसको फायदा होता है, क्या फायदा होता है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इंडिया में एक ही ऐसी कंपनी है जिसको DMIT के पेटेंट होल्डर से अथोराइजेशन मिला हुआ है और उस कंपनी का नाम है ब्रेन वंडर्स। तो ब्रेन वंडर्स कंपनी आपको DMIT की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं और पूरे महीने में आपको जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 80% आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। मतलब दोस्तों मान लीजिए पूरे महीने में आपको 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसमें से 2 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होगा। इसके अलावा दोस्तों इस फ्रेंचाइजी का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी ना के बराबर है। तो दोस्तों आप इस फ्रेंचाइजी को लो इन्वेस्टमेंट में लेकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इस फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि DMIT टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। देखिए दोस्तों DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। डर्मा का मतलब होता है हमारी स्किन और ग्लिफिक्स एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी है जो बताता है कि फिंगरप्रिंट को कैसे रीड करना है। दोस्तों DMIT एक तरह की साइंटिफिक स्टडी है जो पर्सन के फिंगरप्रिंट पैटर्न के जरिए की जाती है और ये पर्टिकुलर पर्सन के यूनिक इनबॉर्न पोटेंशियल और पर्सनैलिटी को समझने में मदद करती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, पर्सन का बायोमेट्रिक स्कैन लिया जाता है और उसके बेसिस पे 24 पेजेस की एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोफेसर लिन रुई जो इसके पेटेंट होल्डर है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया और US में सक्सेस मिलने के बाद ब्रेन वंडर के फाउंडर मिस्टर मनीष नायडू ने प्रोफेसर रुई के साथ पार्टनरशिप करके DMIT को इंडिया में लाया। मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रेन वंडर्स एक एजुकेशनल और करियर कंसल्टेंसी है जो पूरे इंडिया के अंदर लोगों को DMIT के जरिए करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। DMIT एक लेटेस्ट टूल है जिसकी मदद से किसी भी इंसान की इनबॉर्न स्ट्रेंथ वीकनेस कैरेक्टरिस्टिक करियर इंट्रोस्पेक्शन और जेनेटिक इंटेलिजेंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। दोस्तों अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको और भी सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे हर इंसान का रेटिना और फिंगरप्रिंट यूनिक होता है इसीलिए दोस्तों जब आप इस टेस्ट के लिए आप अपना या फिर अपने बच्चे का फिंगरप्रिंट स्कैन देते हैं तो फिंगर्स की जो नर्व्स आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है उससे आप अपने बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप या आपका बच्चा किस फील्ड में एक्सेल करेगा, उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वगैरह वगैरह। इस टेस्ट से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा आज 2 साल का है तो उसे कौन से स्कूल में डलवाना चाहिए, कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना चाहिए और उससे कौन सी एक्टिविटीज करवानी चाहिए ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ सके। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, इसके अलावा दोस्तों कौन से सब्जेक्ट में अच्छा करेगा, करियर पाथ क्या होगा, लिमिटेशंस क्या होगी और उन लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये सारी चीजें भी आपको पता चल जाती है। दोस्तों ये जो टेस्ट होता है बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इस टेस्ट को किसी भी एज ग्रुप के इंसान के ऊपर किया जा सकता है। बहुत सारे HR प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग इस टेस्ट को अपने ऊपर करवाते हैं ताकि वो अपने पोटेंशियल को समझ सकें और अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल बन सकें। देखिए दोस्तों हर इंसान अपनी लाइफ में जल्दी सेटल होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल करियर के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहला मार्क्स एंड एकेडमिक्स, दूसरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मतलब कौन सा करियर हमको चूज करना चाहिए, तीसरा एप्टीट्यूड मतलब आपका इनबॉर्न पोटेंशियल। दोस्तों फिंगरप्रिंट के जरिए ये पता चलता है कि बच्चे का इनबॉर्न पोटेंशियल क्या है। इसके अलावा मार्क्स टेंडेंसी और इंटरेस्ट भी बताता है। अगर एक बच्चे का एकेडमिक्स इंटरेस्ट एप्टीट्यूड अगर तीनों अलाइनमेंट में हो तो इससे ज्यादा परफेक्ट चीज और क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये टेस्ट जितनी अर्ली एज में हो उतना ही ज्यादा ये किसी भी पर्सन की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है और उसको सक्सेसफुल बना सकता है। अगर एक बच्चे का इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट मैच हो जाए तो बच्चा 10वीं और 12वीं पढ़कर भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है और शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। अगर वो दोनों अलग अलग फील्ड में होते, मतलब सचिन तेंदुलकर एक्टिंग कर रहे होते और शाहरुख खान क्रिकेट खेल रहे होते तो आज वो जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर नहीं होते। और दोस्तों वैसे भी आजकल बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा करियर चूज करें, वगैरह वगैरह। तो आप इसको हैप्पी चाइल्ड कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं और बच्चे तभी हैप्पी होंगे जब उन पर ढेर सारा लोड ना डालकर उनकी स्ट्रेंथ पोटेंशियल इंटरेस्ट को तराशा जाए, क्योंकि दोस्तों जब बच्चे हैप्पी होंगे तो माँ बाप भी हैप्पी होंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ब्रेन वंडर्स आपको क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है।
देखिए दोस्तों, ब्रेन वंडर्स इंडिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जिनको डीएमआईटी के लिए अथोराइजेशन प्राप्त है यूएस के पेटेंट होल्डर से। और दोस्तों ये जो बिजनेस है वो विदाउट कंपटीशन वाला बिजनेस है। मैं आपको बताना चाहूंगा, डीएमआईटी इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और इंडिया में ब्रेन वंडर्स एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास पेटेंटेड टेक्निक है, वो एक यूनिक फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको ब्रेन वंडर्स के साथ जुड़ के काम क्यों शुरू करना चाहिए। सबसे पहला कारण, ब्रेन वंडर्स एक एजुकेशनल और काउंसलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस है और एजुकेशन इंडस्ट्री एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर देंगे। इसके अलावा मेरा बच्चा लाइफ में क्या करेगा या मैं क्या करूंगा, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। इसलिए काउंसलिंग की जरूरत हर समय और हर जनरेशन के लोगों को पड़ने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रेन वंडर्स के थ्रू जिस काउंसलिंग बिजनेस को शुरू करेंगे वो आपको रिकरिंग रेवेन्यू देने वाला है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक बार आपका किसी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप हो जाता है या फिर किसी स्कूल या स्कूल के साथ टाइप हो जाता है तो ये आपका एक रिकरिंग बिजनेस बन जाता है। और दोस्तों जहां तक टाइप की बात है तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां पे बच्चे, पेरेंट्स, टीचर सब एक जगह पे कनेक्ट होते हैं। ब्रेन वंडर्स के खुद के कनेक्शन होने की वजह से ये आपको स्कूल और प्री स्कूल के बिजनेस लाने में मदद करेगी। दूसरा कारण दोस्तों, मान लीजिए आपने 5 स्कूल के साथ टाइप किया और 500 बच्चों की रिपोर्ट जनरेट की, तो हर साल काउंसलिंग के लिए वो लोग आपके पास ही आएंगे, क्योंकि हर साल उनके सवाल भी अलग होंगे और उनके सवालों के जवाब भी अलग होंगे। दोस्तों जिन सवालों के जवाब सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर, चिल्ड्रन इनको चाहिए, वो सारे सवालों के जवाब ब्रेन वंडर्स के पास ही मिल सकते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में डीएमआईटी का सर्टिफाइड लाइसेंस सिर्फ ब्रेन वंडर्स के पास ही है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेजेंटली इनके 108 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल हैं, और इंडिया के अलावा 5 फ्रेंचाइजी इनकी इंटरनेशनली भी अवेलेबल है। तीसरा, इनकी फ्रेंचाइजी रन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, मतलब दोस्तों आप नो ऑपरेटिंग कॉस्ट में फ्रेंचाइजी को रन कर सकते हैं। चौथा, फ्रेंचाइजी रन करने के लिए आपको एक लैपटॉप, मोबाइल और कंपनी के द्वारा दिए गए एक फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी जरूरत पड़ने वाली है। पांचवा, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, तो उसके साथ साथ भी आप ये बिजनेस को कर सकते हैं। छठा और आखिरी, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ब्रेन वंडर्स कंपनी आपको कितने प्रकार की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कंपनी आपको 3 तरीके की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। सबसे पहला, यूनिट फ्रेंचाइजी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस फ्रेंचाइजी को आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा 3 लाख रुपया। दूसरा, एरिया फ्रेंचाइजी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एरिया फ्रेंचाइजी 10 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। तीसरा, मास्टर फ्रेंचाइजी। दोस्तों जो मास्टर फ्रेंचाइजी होती है वो पूरी सिटी और स्टेट के लिए होती है, और अगर आपको मास्टर फ्रेंचाइजी चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी 25 लाख रुपए ऑनवर्ड्स। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपका जो भी रेवेन्यू होगा उसका 80% आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, टायर 2 सिटी के अंदर डीएमआईटी के लिए चार्जेस होते हैं 3,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के बीच में, और मेट्रो सिटीज में चार्जेस होते हैं 6,000 रुपए। अब दोस्तों मान लेते हैं आपने किसी छोटी सिटी में इनकी फ्रेंचाइजी ले ली और आपने 5 स्कूल या फिर प्री स्कूल से टाइप कर लिया, और महीने में अगर आप 50 रिपोर्ट भी निकालते हैं तो एक रिपोर्ट का अगर मैं 5,000 रुपए पकड़ूं तो 50 रिपोर्ट का हो जाएगा 2,500,000 रुपए। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका जो भी रेवेन्यू होगा उसका 80% आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो 2,500,000 रुपए का 80% होता है 2,00,000 रुपया। अब दोस्तों मान लीजिए फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपने काउंसलर वगैरह को भी हायर किया, तो उसका कॉस्ट मैं पकड़ लेता हूँ 40,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपया, तो 2,00,000 में से अगर 40-50,000 रुपए निकाल देते हैं तो फिर भी आपका प्रॉफिट हो जाता है लगभग 1,50,000 रुपया। तो दोस्तों इस फ्रेंचाइजी को लेकर आप आराम से 1 से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर चाहता है कि उसको इन हाउस काउंसलर नहीं रखने हैं, तो काउंसलिंग की सर्विस वो कंपनी के एंड से भी ले सकता है। कंपनी अक्रॉस द कंट्री ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल में कंपनी के पास 28 से भी ज्यादा काउंसलर है जो इंडिया के अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा सवाल, आप ये बिजनेस करेंगे कैसे? देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी की तरफ से आपको कंप्लीट ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलता है ताकि आप इस बिजनेस को आसानी से कर पाएं और अच्छे खासे पैसे कमा पाएं। कंपनी आपको 3 तरीके की ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग सपोर्ट, दूसरा मार्केटिंग ट्रेनिंग सपोर्ट, तीसरा काउंसलिंग ट्रेनिंग सपोर्ट। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन वंडर्स आपको काउंसलर भी प्रोवाइड करते हैं और उन्हें ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी आपको कॉन्सेप्ट की ट्रेनिंग, मैनपावर रिक्रूटमेंट और मार्केटिंग जैसे सपोर्ट भी फर्स्ट हैंड प्रोवाइड करती है। 2 महीने तक काउंसलर्स का हैंड होल्डिंग होता है, क्योंकि दोस्तों ब्रेन वंडर्स बहुत सारी B2B एक्टिविटीज और सेमिनार्स वगैरह से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये बहुत सारी B2B एक्टिविटीज और ब्रांडिंग एक्टिविटीज करते रहते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रेन वंडर्स बहुत सारे एजुकेशनल इवेंट्स को भी स्पॉन्सर करते हैं, जिससे इनको स्कूल का बहुत ही आसानी से एक्सेस मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, ब्रेन वंडर्स गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे भी फर्स्ट रैंक पे आता है, तो अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको डेफिनेटली ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों ब्रेन वंडर्स को पिछले 10 साल में बहुत सारे अवार्ड्स मिले,
जिनमें से इन्हें 9 से ज्यादा बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी ने अचीवमेंट एजुकेशन और बिजनेस के सेक्टर में पाई है। इसी के साथ कुछ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ब्रेन वंडर्स के साथ एट प्रेजेंट में पार्टनरशिप में है, जिनमें से कुछ फेमस नाम है अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन, नेशनल करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन, मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्कूल एसोसिएशन। तो दोस्तों आने वाली सक्सेस और अचीवमेंट में अगर आप भी ब्रेन वंडर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। ब्रेन वंडर्स के 10 साल कंप्लीट होने की खुशी में इनके साथ जुड़ने वाले पहले 10 फ्रेंचाइजी को अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों देर मत कीजिए, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, फॉर्म फिल कर देना है, उसके बाद में कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आगे के प्रोसेस के लिए आपको गाइड कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।